बम बम भोले, बम बम भोले, ओम नमः शिवाय। शिवरात्रि के आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है मंदिर में और वही भोग रेस्टोरेंट में पसोरा जाता है। भक्तों को खाना रेस्टोरेंट में पसोरा जाता है। एक मिनट। मंडे टू फ्राइडे हम बफे और आला कार्ड दोनों रखते हैं। अच्छा जी। सैटरडे संडे स्पेशल बफे प्लस आला कार्ड होता है। दोस्तों ये हमारी इंडियन थाली है, अनलिमिटेड फूड है, जितना चाहे उतना खा सकते हैं आप। ये चाइनीज फूड इतना स्वाद, एक मंदिर का प्रसाद। कहीं से कहीं आप ये इमेजिन नहीं कर सकते कि इसमें प्याज का तड़का नहीं है या लहसुन नहीं डाला। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। बम बम भोले, बम बम भोले, ओम नमः शिवाय। शिवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आज शिवरात्रि है और मंदिरों में बहुत रश है, इसीलिए मैं एक मंदिर में आई हूँ देखने के लिए रौनक। मैं आई हूँ इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल में हम आज यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है गोविंदास, जैसे कि नाम से ही मशहूर है। ये इस्कॉन टेम्पल है ईस्ट ऑफ कैलाश में। गोविंदास जैसे कि नाम से ही मालूम पता चल रहा है, गोविंदा जी का मतलब कि ठाकुर जी का रेस्टोरेंट। ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है मंदिर में और वही भोग रेस्टोरेंट में पसोरा जाता है। इस रेस्टोरेंट में गोविंदास में रेस्टोरेंट में आगे भक्तों को और जो ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है वही खाना रेस्टोरेंट में पसोरा जाता है। भोग लगाया हुआ खाना यही रेस्टोरेंट में आगे पेश किया जाता है। एक मिनट। हमारा गोविंदा रेस्टोरेंट जो प्योर सात्विक रेस्टोरेंट है, प्योर वेजिटेरियन होता है हमारा। अच्छा जी। नो अनियन नो गार्लिक का फूड होता है। अच्छा है ना। जनरली मंडे टू फ्राइडे हम बफे और आला कार्ड दोनों रखते हैं। अच्छा जी। सैटरडे संडे स्पेशल बफे प्लस आला कार्ड होता है। अच्छा जी। है ना। और हमारा रेस्टोरेंट तकरीबन 2000 से स्टार्ट हुआ है। अच्छा जी। 25 साल के आसपास लगभग हुए रेस्टोरेंट जो है। ठीक है जी। और हमारा जो रेस्टोरेंट जो स्टार्ट हुआ वो सबसे पहले 1972 के आसपास हमारे तिलक उपाध्याय जो फाउंडर आचार्य हैं उन्होंने स्टार्ट किया। उनका बहुत बड़ा ड्रीम था कि लोग जो है भक्ति नहीं कर रहे हैं पर कहीं ना कहीं फूड के माध्यम प्रसाद के माध्यम से भक्ति करेंगे, भक्ति से जुड़ेंगे, इसलिए रेस्टोरेंट स्टार्ट करने का हमारा मकसद था। रेट हमारे पास जो है मंडे टू फ्राइडे जो होता है 450 का बफे होता है। अच्छा जी। और आप अपने पसंद का आला कार्ड बोलते हैं जिसको ले सकते हैं, जिसमें साउथ इंडियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, तंदूर, इंडियन सारे अवेलेबल हैं। अच्छा। मंडे सैटरडे संडे हमारे पास 660 का स्पेशल बफे होता है 650 का। अच्छा जी। प्लस हमारे पास आला कार्ड भी होता है। हम मैरिज का भी प्रोग्राम करते हैं, एनिवर्सरी, प्रेयर मीटिंग, बर्थडे सारे हम प्रोग्राम करते हैं। सारे हम प्रोग्राम करते हैं। ठीक है ठीक है। जय श्री कृष्ण। टॉपिक पर खाना खाते हैं एक बार यहाँ पे। बिल्कुल प्रॉब्लम ले जाए। थैंक यू। बहुत ही साफ सुथरा, सुंदर, शांतिमय वातावरण है यहाँ पे और हम अपने ये टेबल चूज करते हैं, उस पर बैठ के हम भी यहाँ का प्रसादम टेस्ट करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस यहाँ गोविंदास में। दोस्तों देखिए कितनी सफाई से, कितनी स्वच्छता से यहाँ पर बुफे पेश किया गया है। सैलेड है और ये सारा खाना लहसुन और प्याज के बिना है। इतना लैविश लैविश बुफे है।
जिसमें लहसुन और प्याज नहीं, सात्विक फूड है, बिल्कुल सात्विक, क्योंकि यही खाना जो है ठाकुर जी को भोग भी लगाया गया है। सूप है, ये अचारी चाप, अचारी चाप, चीज बॉल, मतलब हर वो खाना जो कि नॉर्मल रेस्टोरेंट में मिलता है, वो हर पूरा डिज़ाइनर फूड, दाल मखनी, पनीर बटर मसाला, बैंगन का भरता, ये देखिए दोस्तों हक्का नूडल्स विदाउट गार्लिक विदाउट अनियन, वंडरफुल, ब्लैक बीन सॉस। यहाँ का प्रसादम देखकर तो मज़ा आ गया मुझे देख कर ही। अब खा के टेस्ट करते हैं इसको और फिर आपको बताते हैं कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस इसको खा के। चाइनीज आ गया साथ में थाई सैलड, दोस्तों ये हमारी इंडियन थाली है, अनलिमिटेड फूड है, जितना चाहे उतना खा सकते हैं आप। अभी हमारी गरम रोटी आने वाली है, एक बार ही गरम रोटी आ जाए उसके बाद आपको अपनी इंडियन थाली का टेस्ट करके बताएंगे, जब तक मैं आपको चाइनीज़ फूड टेस्ट करके बताती हूँ। ये क्या है जी? ये मैम रोज़ शरबत है, रोज़ शरबत, रोज़ शरबत भी आया हमारे लिए। अब मैं आपको चाइनीज़ फूड टेस्ट करके बताती हूँ, इसमें नूडल्स हैं हक्का नूडल्स, उसके साथ ब्लैक बीन सॉस, ये ध्यान रहे दोस्तों इसमें ना लहसुन है ना प्याज है, और चाइनीज़ फूड बिना लहसुन प्याज के बनता नहीं है, लेकिन यहाँ पर बना है। लेट्स टेस्ट, भी नहीं चल रहा कि ये लहसुन के बिना बना हुआ, कितना अच्छा टेस्ट, कितना स्वाद, बिल्कुल जैसे हम चाइनीज़ रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं बिल्कुल वैसा टेस्ट है, पता नहीं किस कला से बनाया बिना प्याज के और बिना लहसुन के। दोस्तों थाई सैलड है, इसमें कैबेज, शिमला मिर्च, येलो एंड रेड पेपर, ये सब डाला हुआ है। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा निकॉन सैलड, एकदम हल्का फुल्का खाना और बहुत ही ज़्यादा स्वाद, मज़ा आ गया खाकर। मतलब मुझे लग ही नहीं रहा कि चाइनीज़ फूड, मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती चाइनीज़ फूड इतना स्वाद, एक मंदिर का प्रसाद। दोस्तों हमारी ये ब्रेड बास्केट आ गई है, इसमें उन्होंने बिल्कुल गरम कड़क बटर नान दिया है और रोटी दी है, एकदम क्रिस्पी रोटी, मैं रोटी प्रेफर करूँगी, एकदम सॉफ्ट गरम खस्ता रोटी, इसको मैं टेस्ट करती हूँ। ये शाही पनीर, बटर मसाला पनीर, बहुत ही बढ़िया सात्विक फूड, बहुत ही अच्छा खाना। दोस्तों आप यहाँ आ सकते हैं अपने, आप देखिए यहाँ पे कितनी फैमिलीज आई हुई है। मैं दाल टेस्ट करके बताती हूँ आपको, दाल मखनी, बहुत ही ज़्यादा स्वाद दाल, एकदम कम से कम मसालों में बनी हुई लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, मतलब कहीं से कहीं तक आप इमेजिन नहीं कर सकते। इसमें मुझे देसी
प्याज का तड़का नहीं है या लहसुन नहीं डाला। ये चीज़ बॉल है, बहुत ही स्वाद, क्रिस्प एंड सॉफ्ट। ये अरबी, अरबी चाप, मतलब अरबी को इस तरीके से बनाया गया है, चाप जैसी लग रही है। हरी चटनी भी डाली हुई है इन्होंने, जीरा पुलाव है, इसको एक एक करके टेस्ट करते हैं। सिंपल डिवाइन फूड। पनीर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, एकदम सॉफ्ट पनीर है और ग्रेवी बिल्कुल माइल्ड, मतलब क्रीम से, और मेरे को ऐसा लग रहा है काजू की ग्रेवी है क्योंकि तो इसमें प्याज वगैरह तो डला नहीं हुआ। मतलब किसी भी बड़े रेस्टोरेंट से आप इसको कंपेयर कर सकते हो, इसका टेस्ट किसी से भी कम नहीं है। पनीर सॉफ्ट है, क्रीमी इसकी ग्रेवी है, वंडरफुल। ये मैं दूसरी बार घर के लाई हूँ थाली, बहुत ही स्वाद, पनीर मेरे को बहुत स्वाद लगा, 100/100 मार्क्स। भगवान जी का प्रसाद ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी से कम हो। नॉट टू मिस प्लेस है, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ यहाँ आइए और प्रसाद का आप इसका आनंद लीजिए, बहुत ही अच्छी जगह। दोस्तों ये खीर है, इसको टेस्ट करके बताती हूँ। चिल्ड, इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डले हुए हैं, इलायची का फ्लेवर आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। एक बार आपको फिर से लोकेशन बताती हूँ, इस्कॉन टेम्पल ईस्ट ऑफ कैलाश, उसके अंदर है ये गोविंदाज रेस्टोरेंट। दोस्तों यहाँ सिर्फ थाली या बुफे ही नहीं है, मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट, इसमें चाइनीज़ है और बाकी इंडियन वेराइटीज़ और भी हैं, पिज्ज़ाज हैं, पास्ताज हैं, दही भल्ले, बहुत बहुत ज़्यादा वेराइटी। एक बार आप यहाँ पर आइए अपने फैमिली के साथ और खुद आकर के एक्सपीरियंस कीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हेलो मैडम, हाउ आर यू? अपना नाम बताएंगे आप? मेरा नाम प्रियंका है। कहाँ से आए हैं आप? हम दिल्ली से ही हैं। तो आप पहले भी आते रहते हैं यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर हम अक्सर आते रहते हैं। तो कैसा लगता है आपको यहाँ का खाना, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? खाना तो बहुत अच्छा देते हैं, काफ़ी यूनिक देते हैं, काफ़ी सारे वेराइटीज़ हैं। अच्छा, जो इनके इतने सारे आउटलेट्स हैं दिल्ली में, द्वारका वगैरह में भी, तो वहाँ से ये काफ़ी अच्छा रहता है। ये वाला ज़्यादा अच्छा है। हाँ जी, ठीक है मैडम। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको खाना बहुत अच्छा लगता है? ओके मैडम, थैंक यू। दोस्तों बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा इस्कॉन टेम्पल में। यहाँ पे मल्टी क्यूजिन है, यहाँ पे खाना सिर्फ थाली या बुफे नहीं है, यहाँ पे चाइनीज़, थाई, मुगलई, पिज्ज़ा, पास्ता, साउथ इंडियन सब कुछ है। तो आप अपनी फैमिली के साथ आइए यहाँ पे और इस डिवाइन एक्सपीरियंस को खुद एक्सपीरियंस कीजिए। और ये है इस्कॉन टेम्पल ईस्ट ऑफ कैलाश के अंदर, गोविंदाज इसका नाम है। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए कुछ नया दिखाने के लिए। कल फिर मिलती हूँ आपको। बाय बाय, राधे राधे। Wow.